थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में जो हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो डिस्कस कर रहे थे, वहां पे हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर ली थी, और क्वेश्चन जो है हम डिस्कस कर रहे थे, तो उनको हम इस क्लास के लास्ट 10 मिनट या फिर 5 मिनट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा उसको डिस्कस करते हैं। वेरी गुड इवनिंग रुचि, क्या है हमारे पास आज का टॉपिक? है हमारे पास हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। आज हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे और इसके कंपाउंड के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है वो पेरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट एलिमेंट्स जो है वो। सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन, आप सभी को पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है पूरे पेरियोडिक टेबल में आपके पास फर्स्ट एलिमेंट जो है वो है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। और क्या है इसमें, इसका जो एटॉमिक नंबर रहता है आपके पास, विच इज 1, और मास नंबर भी हमारे पास कितना रहता है, विच इज आल्सो 1। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास बात है हाइड्रोजन की, इसको जो है वो डिस्कवर्ड किया था आपके पास हेनरी क्वेंडिश। नोट कर लें सभी, डिस्कवर्ड किया था हाइड्रोजन को हेनरी क्वेंडिश ने। कब किया था? 1766 में। और इसको जो नेम दिया था हाइड्रोजन, वो किसने दिया था? नेम्ड बाय एंटोनी लेविसियर। एंटोनी लेविसियर, यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं। तो क्या बोलता है आपके पास, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन को हम एच से डिनोट करते हैं, और हैज एटॉमिक मास 1 एंड मास नंबर इज आल्सो 1, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी क्वेंडिस इन 1766 बट नेम्ड बाय एंटोनी लेविसियर। इतना सभी को पता होना चाहिए हाइड्रोजन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर अमंग ऑल ऑफ एलिमेंट्स अराउंड विद या फिर अराउंड अस इन ए नेचर। क्या बोलता है आपके पास, इट इज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्मॉलेस्ट रहता है, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं नेचर्स में, उन सभी में से इसका जो आपके पास हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है वो सबसे स्मॉलेस्ट है या फिर सिंपलेस्ट है। और क्या बोलता है, इन एटॉमिक फॉर्म इट कंसिस्ट, एटॉमिक फॉर्म में ये जो है कंसिस्ट करता है ओनली 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। आपके पास क्या करता है, कंसिस्ट करता है 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन ओनली। और आपके पास व्हाट, नो न्यूट्रॉन्स। क्या बोलते हैं आपके पास, नो न्यूट्रॉन्स। और सभी ने ध्यान रखना है आपके पास हाइड्रोजन एक ऐसा आपके पास एलिमेंट है जो ओनली कंटेन करता है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन, बट ये जो है वो आपके पास न्यूट्रॉन जो है वो अटेन नहीं करता है आपके पास हाइड्रोजन। और एलिमेंटल फॉर्म में जब ये एग्जिस्ट करता है, तो हाइड्रोजन आपके पास ऑलवेज H2 फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है, सिंगल हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है, जिसको हम बोलते हैं डी हाइड्रोजन या फिर डाई हाइड्रोजन बोल सकते हैं। जिसको H2 फॉर्म में ऑलवेज जो वो एग्जिस्ट करता है, जिसको हम डाई एटॉमिक फॉर्म भी बोल सकते हैं इसकी, डाई हाइड्रोजन, और इसको डाई एटॉमिक भी बोल लीजिए, डाई एटॉमिक फॉर्म। और आपके पास हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड जो फॉर्म करता है, जैसे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स, वहां पे H2O जो है वो प्रेजेंट रहता है। तो बहुत सारे आपके पास इसके कंपाउंड जो है वो फॉर्म होते हैं। और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल
फर्स्ट रहती है, फर्स्ट पोजीशन जो है वो इसकी पीरियडिक टेबल में रहती है, और फर्स्ट एलिमेंट्स जो है आपके पास वो भी हाइड्रोजन है पूरे पूरे पीरियडिक टेबल में। और इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आपके पास सभी जो है नोट कर सकते हैं, 1s1। क्लियर है सभी को यहां तक? Yes, चलो अक्रेंस की बात करते हैं। आपके पास अक्रेंस, आपके पास डाई हाइड्रोजन की बात हम करेंगे यहाँ पे, कि H2O फॉर्म में जो है वो जब एग्जिस्ट करता है आपके पास हाइड्रोजन, तो उसकी अक्रेंस क्या रहती है आपके पास यूनिवर्स में। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास पॉइंट है, डाई हाइड्रोजन इज ए मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन इन द यूनिवर्स। नोट कर सकते आपके पास डाई हाइड्रोजन जो है H2O जो है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स है आपके पास यूनिवर्स में, और 70% जो आपके पास टोटल मास ऑफ यूनिवर्स रहता है इसमें हाइड्रोजन जो वो प्रेजेंट रहता है। ये भी नोट कर सकते हैं आपके पास 70% ऑफ टोटल मास ऑफ यूनिवर्स जो है इसमें प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है आपका यूनिवर्स में। सेकेंड पॉइंट है आपके पास, इट इज द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ सोलर एटमोस्फेयर। आपके पास जो H2 है इट इज द प्रिंसिपल एलिमेंट है आपके पास सोलर एटमोस्फेयर का, प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ सोलर एटमोस्फेयर। नोट कर सकते हैं आप सोलर एटमोस्फेयर का ये प्रिंसिपल एलिमेंट रहता है आपके पास H2। और थर्ड पॉइंट रहेगा आपके पास, ड्यू टू इट्स लाइट नेचर, इसकी लाइट की नेचर की वजह से इट इज मच लेस अबंडेंट इन द अर्थ एटमोस्फेयर। इसकी लाइट नेचर की वजह से आपके पास ये जो है वो मच लेस मींस आपके पास कम अबंडेंट रहता है आपके पास अर्थ एटमोस्फेयर में। और इसकी जो पोजीशन है 9th पोजीशन है आपके पास अर्थ क्रस्ट पे। तो क्या बोल सकते हैं हम, इट इज Due to its light nature, it is much less abundant in the Earth atmosphere, and it is the 9th most abundant element in the Earth crust. ये जो आपके पास 9th most abundant element रहता है, abundant element रहता है आपके पास Earth crust पे। ये भी note कर लें सभी कि आपके पास एटमॉस्फेयर में इसका जो है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में, बट आपके पास जब अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं तो हम इसका ये जो पोजीशन रहती है मींस आपके पास इसका रैंक जो रहता है वो 9th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो है वो अर्थ क्रस्ट पे जो है वो आता है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास आइसोटॉप की, कि आइसोटॉप फॉर्म में जो हाइड्रोजन किस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आइसोटॉप हाइड्रोजन के मेनली 3 आइसोटॉप रहते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो नोट करते रहना है सभी ने साथ साथ में, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास प्रोटियम रहता है इसमें आपके पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो वो 1 रहता है। सेकेंडली आपके पास ड्यूटेरियम में आपके पास एटॉमिक नंबर 1 रहेगा बट मास नंबर जो है वो 2 रहेगा, और इसको हम डी से जो है वो डिनोट करते हैं, इसको हम हैवी वाटर भी बोलते हैं। नोट कर लें सभी, हैवी वाटर, इसको हम हैवी वाटर भी बोलेंगे। और आपके पास थर्ड जो आएगा इस केस में मास नंबर 3 और एटॉमिक नंबर जो है वो 1 रहता है, और इसमें क्या होता है आपके पास ये जो है वो ट्रिटियम आइसोटॉप जो है वो हाइड्रोजन का, इसको हम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप भी बोलते हैं। ये नोट कर लें सभी, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। सेकंड मेन इसकी बात है, इसका हाफ लाइफ पीरियड जो रहता है वो रहता है, हाफ लाइफ पीरियड जो रहता है वो रहता है आपके पास 12.4 ईयर्स। ये भी नोट कर लें। और थर्ड चीज है, इट इज ए बीटा एमिटर, मींस आपके पास बीटा पार्टिकल जो को जो है ये एमिट करता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज
बीटा एमिटर, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके पास, जो आपके पास रहता है ट्रिटियम, इसको हम और डिनोट करते हैं टी से, ये भी नोट कर लें साथ साथ में सभी। और आइसोटोप तो आप सभी को पता होना चाहिए, मैंने आपको पिछली क्लास में भी करवाया था कि जिसका मास नंबर जो है वो डिफरेंट रहता है बट एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहता है, तो उस टाइप के आपके पास एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप। तो क्लियर है सभी को यहाँ तक? यस यस सर, यस कर लिया सभी ने नोट? यस यस सर, चलिए इसको हाइड्रोजन को भी रब कर देता हूं मैं यहां से। थोड़ा सा ड्यूटेरियम की बात कर लेते हैं, इसको जो प्रिपेयर किया था, इट प्रिपेयर्ड बाय, आपके पास साइंटिस्ट थे उनका नाम लिख लीजिए सभी, यूरे ब्रिकवेड, यूरे ब्रिकवेड एंड आपके पास मॉर्फे, MURPHY, मॉर्फे ने 1931 में इसको जो है वो डिस्कवर्ड या फिर प्रिपेयर्ड किया था, यूरे ब्रिकवेड एंड मुर्रे या फिर मॉर्फे ने 1931 में, ये भी नोट कर लें, इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए ड्यूटेरियम से रिलेटेड। और इसका यूज जो की जाता है, इट इज यूज टू स्टडिंग फॉर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, यूज रहता है इसका, यूज ऑफ रहता है आपके पास मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रिएक्शन में, आपके पास बम्बार्डिंग पार्टिकल न्यूक्लियर रिएक्शन में जो यूज रहता है इसका, बम्बार्डिंग पार्टिकल इन न्यूक्लियर रिएक्शन, एन से न्यूक्लियर देख लेना, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन में इसका यूज रहता है ऑर्गेनिक रिएक्शन के लिए। लिख लिया सभी ने? यस सर। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आपके पास हाइड्रोजन के फॉर्म आते हैं, जैसे नेसेंट हाइड्रोजन, इसमें आपके पास क्या रहता है, इट इज मोस्ट रिएक्टिव एंड पावरफुल एजेंट रहता है। एटॉमिक हाइड्रोजन, तो एटॉमिक हाइड्रोजन सभी को पता है जिसमें मॉलिकुलर आपके पास प्रेजेंट रहते हैं, आपके पास और आता है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन और एब्जॉर्ब हाइड्रोजन, तो इनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आते हैं। हम डायरेक्ट जो प्रिपरेशन किस तरह से होती है हाइड्रोजन की या फिर H2 जो आपके पास प्रेजेंट रहता है उसकी प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आपके पास रिएक्शन रहते हैं। फर्स्ट क्या है आपके पास, जब जिंक में आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड को ऐड करते हैं, H2SO4 को जिंक में ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या फॉर्म होता है, देखो हम रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं H2 ऑब्टेंड के, मींस आपके पास H2 जो है वो ऑब्टेंड करना है हमने, तो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन रहते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट आपके पास जब हम ZN में आपके पास H2SO4 जो है वो ऐड करते हैं, तो हमारे पास मिलता है ZN SO4 और हाइड्रोजन H2 फॉर्म में जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन या फिर डाई हाइड्रोजन जो है वो मिलता है। इसी तरह मैग्नीशियम को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में ऐड करेंगे, तो आपके पास Mg SO4 और H2 जो है वो मिल जाएगा। थर्ड आपके पास जब हम NaOH में भी आपके पास H2O ऐड करेंगे, तो आपके पास सॉरी NaH में जो हम NaH रहेगा यहाँ पे, NaH में जब हम H2O ऐड करेंगे, तो यहाँ से हमें NaOH मिल जाएगा सॉल्ट, और हाइड्रोजन जो है वो साथ में जो है वो अटेंड हो जाएगा। लिख लिया सभी ने? ये बहुत सारे एग्जांपल रहते हैं आपके पास जिसके थ्रू हम जो है वो हाइड्रोजन को, डाइहाइड्रोजन को जो है वो प्रिपेयर जो है वो कर सकते हैं।
इसके बाद कुछ एक इम्पोर्टेंट आपके पास परसेंटेज है कि कौन कौन से उसमें जो है वो आपके पास हाइड्रोजन के कितनी परसेंटेज रहती है, तो ये नोट कर लें। कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ पे मैं डाई हाइड्रोजन लिख रहा हूँ। तो ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स मीन्स आपके पास कितनी परसेंटेज रहती है, तो पेट्रोल एंड केमिकल में इसकी जो परसेंटेज रहती है 77% जो है वो हाइड्रोजन रहता है। सेकंड आपके पास आता है कोल में इसकी परसेंटेज रहती है आपके पास 1.8%। थर्ड आता है इलेक्ट्रोलाइट में इसकी जो परसेंटेज रहती है वो 4% रहती है, और अदर में इसकी जो परसेंटेज रहती है 1%। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसको नोट कर लें आप सभी कि पेट्रोल में जो हाइड्रोजन या फिर डाई हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज वो प्रेजेंट रहती है। थर्ड पे क्या लिखा है आपने? इलेक्ट्रोलाइट्स। पेट्रोल एंड केमिकल्स पेट्रोल एंड केमिकल्स। डाई हाइड्रोजन की परसेंटेज है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके पास। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करेंगे आपके पास डाई हाइड्रोजन की। तो मेनली आपके पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास फिजिकल क्वांटिटी प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है आपके पास, देखो। इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। नोट कर सकते हैं सभी, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस। सेकेंड प्रॉपर्टीज आती है, इट इज द लाइटर देन एयर। एयर से भी लाइटर है और एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या बोलता है? इट इज द लाइटर देन एयर। एयर से भी लाइटर है ये जो आपके पास डाई हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से ये इनसॉल्युबल है आपके पास वाटर में। फर्स्ट है आपके पास, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। थर्ड प्रॉपर्टीज है आपके पास, इट्स मेल्टिंग पॉइंट है इसका 13.96 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट जो है आपके पास रहता है 2039 केल्विन। और फोर्थ है आपके पास, डेंसिटी रहती है आपके पास H2 की 0.6। लिख लिया सभी ने? नेक्स्ट आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहती है आपके पास डाई हाइड्रोजन की, उनको हम एक एक करके जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास प्रॉपर्टीज आती है, जब आपके पास हाइड्रोजन जो है वो डाई हाइड्रोजन मीन्स आपके पास गैसेस फॉर्म में X2 हैलाइड्स के साथ मीन्स आपके पास हैलोजन के साथ जो है वो रिएक्ट करता है, तो क्या क्या जो वो फॉर्म होता है आपके पास। जब आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पे एक्स मैंने आपके पास एक्स यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन या फिर आयोडीन कुछ भी हो सकता है, जब ये आपके पास इसके साथ रिएक्ट करेगी तो यहाँ से फॉर्म होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HX। HX के लिए यहाँ पे आपके पास क्लोरीन को ले लेते हैं हम, तो H2 गैस प्लस Cl2 जब हम लेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl जो है वो फॉर्म हो जाएंगे आपके पास। फर्स्ट रिएक्शन यही है जब हम इसको किसके साथ रिएक्ट करते हैं, हैलोजन के साथ जो रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ से आपके क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। नेक्स्ट सेकंड है, हम जब इसको रिएक्ट
रिएक्ट करते हैं आपके पास ऑक्सीजन के साथ, मींस आपके पास ऑक्सीजन गैस के साथ हम जब हाइड्रोजन गैस को जो है वो रिएक्ट करते हैं तब हमें क्या मिलता है, तो ध्यान से देखना है सभी ने। मैं यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस आपके पास ऑक्सीजन गैस में ऐड कर रहा हूँ, और कैटलिस्ट आपके पास रहेगा हीट जब हम करेंगे इसको, कैटलिस्ट हीट, तो हमें क्या मिलेगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मिल जाएगा यहाँ से, और आपके पास लिक्विड फॉर्म में प्लस हीट जो है रिलीज होगी। क्लियर है सभी को? यस सर। ये रिएक्शन हो गया आपके पास ऑक्सीजन के साथ। थर्ड टाइप का रिएक्शन आता है इसका आपके पास रिएक्शन विद डाई नाइट्रोजन या फिर जिसको हम बोल सकते हैं इट रिएक्ट विद डाई नाइट्रोजन टू फॉर्म ए अमोनिया। डाई नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये जो है अमोनिया फॉर्म करता है, उस हम प्रोसेस को हाइबर प्रोसेस भी बोलते हैं, तो इसको नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। इट रिएक्ट विद डाई नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया आपके पास, इसको हम हाइबर प्रोसेस भी बोलेंगे। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि हाइबर प्रोसेस में हम क्या फॉर्म करते हैं या फिर क्या क्या रिएक्ट या फिर क्या क्या आपस में रिएक्ट करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये मान लो H2 गैस में हमने नाइट्रोजन ऐड किया यहाँ से, और इस केस में जो टेम्परेचर रहता है आपके पास 673 केल्विन और 200 एटमोस्फेयर टेम्परेचर रहता है, और कैटलिस्ट आपके पास आयरन और मैग्नीशियम रहते हैं यहाँ से आपके पास, जब इसमें मान लो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 ऐड करते हैं हम, जब इनको इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी और प्लस हीट जो है रिलीज होती है। तो इस वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइबर प्रोसेस, जहां से आपके पास जब हमने हाइड्रोजन में आपके पास नाइट्रोजन जो है वो ऐड किया तो अब हमें अमोनिया जो है मिला, इसी प्रोसेस को हम हाइबर प्रोसेस भी बोलते हैं। क्लियर सर? 673 केल्विन के आगे क्या लिखा है? 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कर लिया नोट सभी ने? यस सर। यस सर। नेक्स्ट आता है आपके पास इट रिएक्ट विद मेटल। मेटल के साथ जब रिएक्ट करेंगे हम हाइड्रोजन को तब हमें क्या मिलेगा, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल या फिर मेटल हाइड्राइड्स जब फॉर्म होते हैं, तो आपके पास 4th टाइप आता है यहाँ पे, जब आपके पास मेटल के साथ फॉर्म करेंगे तो मेटल हाइड्राइड्स जो हमें मिलते हैं, तो यहाँ से देखो आपके पास क्या करेंगे, H2 जब हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल्स के साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, M यहाँ पे आपके पास अल्कली मेटल्स कोई भी हो सकता है, तो अल्कली मेटल में आपके पास इसको जब हम इसके साथ ऐड करेंगे तो ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल हाइड्रेट हमें फॉर्म करेगा। मेटल यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं आप, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, आपके पास डिफरेंट टाइप्स के आपके पास रहते हैं मेटल, तो उसमें से आप कोई भी मेटल जो है वो इजिली ले सकते हैं।
इसके बाद आपके पास इट रिएक्ट विद मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जब ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये गिव देता है हमें, इट गिव्स यूजफुल हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट, मीन्स आपके पास जब इनको हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो रिएक्ट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इट गिव्स, ये हमें देता है यूजफुल हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट्स। अब आपके पास नेक्स्ट आता है व्हेन वाटर इटसेल्फ कंबाइन केमिकली विद द सम एलिमेंट्स और मिनरल्स द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रेशन। क्या बोलता है नोट कर लें सभी, व्हेन द वाटर इटसेल्फ कंबाइन केमिकली विद सम एलिमेंट्स और मिनरल्स द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रेशन। व्हेन, दोबारा से सुन लो फिर से, व्हेन वाटर इटसेल्फ कंबाइन केमिकली विद सम एलिमेंट्स और मिनरल्स द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रेशन। इसके बाद आता है कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो कमर्शियल इंपॉर्टेंस में आपके पास क्या आता है, हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं, मींस आपके पास रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन रहता है वहां पे, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल ऑयल्स देखते हैं आप, या फिर अनसेचुरेटेड फैट्स की बात करें तो वहां पे आपके पास क्या रहता है, हाइड्रोजनेशन, या फिर क्या बोलते हैं हम उनको, रिएक्शन विद हाइड्रोजन जो वो प्रेजेंट रहता है, मीन्स वहां पे हाइड्रोजन जो वो प्रेजेंट रहता है। तो हाइड्रोजनेशन में आपके पास एग्जाम्पल रह सकता है वेजिटेबल्स ऑयल, वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं आप, अनसेचुरेटेड फैट के रूप में वहां पे हाइड्रोजन जो प्रेजेंट रहता है। इसके बाद आपके पास वनस्पति घी, जिसको हम सैचुरेटेड फैट बोलते हैं, वहां पे भी आपके पास क्या रहता है, कमर्शियल फॉर्म में आपके पास इंपॉर्टेंस रहती है आपके पास हाइड्रोजन की, वनस्पति घी यहाँ पे अनसेचुरेटेड फैट फॉर्म में जो आपके पास हाइड्रोजनेशन जो है वो होती है। हाइड्रोजनेशन का मतलब है आपके पास रिएक्शन विद हाइड्रोजन। इसके बाद नेक्स्ट हम यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन देखते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट यूज जो आपको देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला आपके पास यूज रहेगा डाइहाइड्रोजन का, इट इज द लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ डाइहाइड्रोजन इन ए सिंथेटिक अमोनिया। अमोनिया मींस आपके पास इसका यूज जो रहता है अमोनिया में रहता है, हमने अभी अभी हाइबर प्रोसेस की, वहां पे इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज रहता है, जब इसमें हम नाइट्रोजन ऐड करते हैं तब हमें अमोनिया देता है, तो ये भी इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज है, जहां से हमें आपके पास अमोनिया जो वो प्रेजेंट मिलता है और हाइबर प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, तो इसका यूज जो है हाइबर प्रोसेस में होता है। सेकेंड यूज रहेगा इसका, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग वनस्पति फैट, नोट कर लें सभी, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग वनस्पति फैट पॉली अनसेचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स लाइक आपके पास सोयाबीन, कॉटन या फिर सीड एक्सेट्रा। फिर से सुन लो, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चरिंग वनस्पति फैट पॉली अनसेचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स लाइक आपके पास सोयाबीन, कॉटन, सीड एक्सेट्रा। थर्ड इसका यूज है, इट इज यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल इन स्पेस रिसर्च। थर्ड यूज है इसका, रॉकेट फ्यूल में इसका यूज करते हैं, रॉकेट फ्यूल इन स्पेस रिसर्च। नेक्स्ट है आपके पास, इट इज आल्सो यूज्ड इन फ्यूल सेल, नोट कर लें, फ्यूल सेल में भी इसका यूज किया जाता है
फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल इन नेचर। कर लिया नोट सभी ने? सर रिपीट कर दीजिए, रिपीट करना ही पड़ेगा, रिपीट कर देना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड या फिर इट इज ऑल्सो यूज इन फ्यूल सेल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूल इन नेचर। मिक्सचर हीलियम एंड हीलियम ऑफ हाइड्रोजन या फिर ए मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। हीलियम इज इक्वल टू 85% एंड हाइड्रोजन इज इक्वल टू 15%। 15% जो है वो आपके पास हाइड्रोजन, 85% आपके पास हीलियम इज यूज्ड इन फिलिंग द बैलून्स। बैलून्स में जब हम कोई गैस फिल करते हैं वहां पे क्या होता है आपके पास 85% आपके पास हीलियम रहता है और 15% जो वो हाइड्रोजन रहता है। तो वहां पे भी इसका जो H2 का यूज जो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, 15% कंट्रीब्यूट रहता है इसका। तो लिख लिया सभी ने? यस सर। नेक्स्ट यूज लिखे इसका हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम आर द थ्री एलिमेंट्स विच आर बिलीव्ड टू प्रोड्यूस इन ए बिग बैंग थ्योरी। आपके पास क्या रहता है? हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम तीन एलिमेंट्स रहते हैं विच आर बिलीव्ड टू प्रोड्यूस इन ए बिग बैंग थ्योरी। नेक्स्ट लिखिए द सोलर एनर्जी ऑफ सन ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। आपके पास द सोलर एनर्जी ऑफ सन इज ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। नेक्स्ट है आपके पास हाइड्रोजन इज वेरी लाइट गैस। लाइट बोले तो हल्की गैस है एंड इट या फिर इज नॉट हील्ड बाय अर्थ ग्रेविटी। हाइड्रोजन इज ए वेरी लाइट गैस एंड इज नॉट हील्ड बाय द अर्थ ग्रेविटी। Thus, no free hydrogen is present in the earth. जिसकी वजह से आपके पास कोई भी free hydrogen जो वो present नहीं रहता है आपका earth पे। और सबसे most important बात hydrogen की, hydrogen is the only element which exists without neutrons. Hydrogen आपके पास एकमात्र आपका ऐसा element है जो कि exist करता है बिना neutron के। तो लिख सकते हैं आप हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट विदाउट न्यूट्रॉन्स। तो लिख लिया सभी ने? यस। तो ये बहुत सारी यूजेस है इसके, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना है कि कहाँ कहाँ इनका यूज होता है आपके पास डाइहाइड्रोजन का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपके पास कंपाउंड या फिर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। तो आप सभी को पता है कि आपके पास सबसे मोस्ट और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके पास सबसे फेमस मॉलिक्यूल्स रहता है वाटर, जो कि आपके पास हाइड्रोजन से बना है या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कंपोजिशन से बना है, जिसको हम वाटर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वाटर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। जीके में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो सभी को पता होना चाहिए आपके पास 22 मार्च को जो है वो वर्ल्ड वाटर डे जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए वाटर का हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपके पास सभी को पता होना चाहिए कि वाटर तो आप सभी डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस और आपके पास डीप स्टडी सभी को आनी चाहिए। इसमें क्या होता है, आपके पास
सभी को पता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन और एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन रहता है, और यहाँ से इसका रेशियो में वन मॉलिक्यूल्स यहाँ से देखते हैं हम, जब इसको खोलेंगे आपके पास तो 2 × 1 = 16 मीन्स आपके पास 2 16, तो 2 × 1 = 2 2 8 = 16 वन मीन्स आपके पास 1:8 की फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है आपके पास वाटर। तो सबसे पहले वाटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द वाटर इज द मेजर पार्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर मेड बाय वाटर। आपके पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो आपके पास वाटर से जो है मेड अप होते हैं। और बात करें हम ह्यूमन बॉडी की आपके पास, तो ह्यूमन बॉडी हैज 65% एंड आपके पास सम प्लांट्स हैव एज मच एज 95% वाटर रहता है। तो इट मीन्स कुल मिला के आपके पास 97% पार्ट ऑफ द एंटायर वाटर इज अज्यूम टू बी द कन्फाइंड इन ओशियन। ओशियन में आपके पास 97% जो है वो आपके पास वाटर का कंफर्म किया जाता है, और आपके पास 97 के बाद 3% आपके पास जो बचा रेस्ट ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन द प्योर फॉर्म। मींस आपके पास जो प्योर वाटर है वो ओनली 3% है। 3% का मतलब है यहाँ से 3% भी आपके पास प्योर नहीं है। 3% का मतलब है कुछ आपके पास रिवर्स में होगा, कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिक्स वाला होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का आपके पास वाटर रहेगा, उसकी कंपोजिशन हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है आपके पास रेन वाटर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। नोट कर लें आप सभी, जो रेन वाटर है मींस आपके पास वर्षा का पानी है वो आपके पास प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर जो है वो है। और ये क्वेश्चन आता है यहाँ से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो सभी नोट कर लें आपके पास जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वाटर का विच इज 0 degree Celsius एंड फारेनहाइट की बात करें तो 32 degree Fahrenheit पे आपके पास वाटर जो वो मेल्ट करता है। और सेकंड जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में आपके पास 100 degree Celsius पे वाटर जो वो बॉइल करता है, और आपके पास 212 degree Fahrenheit की बात करें तो 212 degree पे जो है वो आपके पास वाटर जो है वो बॉयल करता है। नेक्स्ट कुछ एक प्रॉपर्टीज है वाटर की, तो एक एक करके सभी नोट कर